लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब मनचाहे मंत्रालय हासिल करने को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। एनडीए में बीजेपी के सहयोगी दल अब केंद्र में बड़े मंत्रालयों की मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। बीजेपी अब की बार 400 पार के स्लोगन के साथ जनता के बीच तो जरूर थी, लेकिन जनता ने बीजेपी को 240 सीटों पर ही रोक दिया। खैर, चुनाव के नतीजों के बाद देश को अब नई सरकार का इंतजार है। देश में फिर एक बार मोदी सरकार की पुष्टि हो चुकी है। माना जा रहा है कि अब नीतीश कुमार ने मंत्री पद को लेकर एक फॉर्मूला सामने रखा है। नीतीश कुमार ने मोदी सरकार में 3 मंत्रालय मांगे, वो भी बेहद अहम। कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं, मांगेंगे तो खास ही मांगेंगे। हालांकि ये जेडीयू की ख्वाहिश है, उनके खाते में कौन सा मंत्रालय आएगा ये एनडीए तय करेगा। वहीं गठबंधन में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वो सबसे आगे होती है, लेकिन सहयोगी पार्टियों की मांग को भी देखना होता है। ऐसे में बीजेपी के सामने ये बड़ी चुनौती होगी कि वो एनडीए के घटक दलों के सामने कितनी नरमी दिखाती है। ये भी देखना होगा कि कहीं उसके सहयोगी आगे जाकर नाराज ना हो जाए। हालांकि एनडीए के सभी घटक दल इस समय पूरी तरह से एकजुटता दिखा रहे हैं, अब मंत्रालय के बंटवारे पर फांस आकर अटक जा रही है। मोदी सरकार की तीसरी पारी में घटक दलों में से किसे और कितनी संख्या में कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाएगा, इसकी तस्वीर भी जल्द ही साफ हो जाएगी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद देश को अब नई सरकार का इंतजार है। देश में फिर एक बार मोदी सरकार की पुष्टि हो गई है। बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले हैं, लेकिन एनडीए के तीसरी बार सत्ता में वापसी को लेकर वो बेहद उत्साहित है। वहीं इंडिया गठबंधन ने विपक्ष के तौर पर भी सही मजबूती से वापसी की है। उनकी सीटों की संख्या और मनोबल दोनों ही इस बार बढ़ते हुए नजर आए। दोनों ही अलायंस में सीटों की संख्या का अंतर बेहद कम हुआ है। नतीजे आने के अगले ही दिन दोनों ही पक्षों ने आगे की रणनीति को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। मोदी सरकार 3.0 की शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। पहले खबर थी कि मोदी 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, मगर अब कहा जा रहा है कि 9 जून को मोदी शपथ ले सकते हैं। नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में TDP, JDU, शिवसेना और LJP की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। इन 4 पार्टियों में कुल मिलाकर 40 सांसद हैं। इनमें से TDP और JDU अपने लिए मनपसंद मंत्रालय चाहती है और हर 4 सांसद पर एक मंत्री की मांग कर रही है। इस लिहाज से TDP 4, JDU 3, शिवसेना 2 मंत्रालयों की उम्मीद हुई है। मुझे खैर समय की जानकारी नहीं है कब होगा शपथ, बट हाँ, तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कल एनडीए के तमाम लीडर्स की हम लोग की बैठक थी और एक स्वर में, देखिए ये बात सत्य है, इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि एनडीए की ये जीत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की ही जीत है। उनकी वजह से ही एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत मिला है। हम लोग कई बार अपने लिए लक्ष्य इतने बड़े कर लेते हैं कि अगर उसमें हल्की सी भी चूक होती है तो सवाल उठने लगते हैं। हकीकत है ये कोई सामान्य बात नहीं है। आज तीसरी बार लगातार एनडीए को देश का एनडीए को जनादेश मिला है, एनडीए के समर्थन में, ये कोई मामूली बात नहीं है। इतिहास अगर मैं ठीक से मैं जानता हूँ तो शायद दूसरी बार ही ऐसा हुआ है इन 7 दशकों में कि किसी एक प्रधानमंत्री को, किसी एक गठबंधन को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिले। तो अपने में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि का श्रेय मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को ही जाता है। और कल एनडीए की बैठक में एक स्वर में बिना किसी शर्त के तमाम एनडीए के घटक दलों ने पुनः तीसरी बार, महज ये एक औपचारिकता थी बट उसको भी हम लोगों ने पूरा किया और उनके नेतृत्व को पुनः हम लोगों ने स्वीकारा है और बहुत जल्द मेरे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें कि TDP स्पीकर पद भी चाहती है, हालांकि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि ज्यादा जोर देने पर डिप्टी स्पीकर पद TDP को मिल सकता है। JDU के पास पहले से ही राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन का पद है। बता दें कि अभी तक मोदी के 2 कार्यकाल में सहयोगी दलों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व मिला है, यानी कि उनकी संख्या के अनुपात में मंत्री पद देने के बजाय केवल सांकेतिक नुमाइंदगी दी गई है।
बदली परिस्थितियों में बीजेपी को संख्या के हिसाब से ही मंत्री बनाने होंगे। इसका मतलब होगा कि मंत्री परिषद में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या घटेगी और सहयोगियों की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन कुछ शर्तों पर बीजेपी शायद ही समझौता करे। माना तो ये भी जा रहा है कि केंद्र की नई सरकार रक्षा, वित्त, गृह और विदेश, इन चार मंत्रालयों में सहयोगियों को जगह नहीं देना चाहती। अब सवाल ये उठता है कि मोदी सरकार 3.0 की नई कैबिनेट में कौन कौन होगा और किसी कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। मोदी सरकार की नई कैबिनेट कैसी होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो मंत्रालय की लड़ाई है और सबको चाहिए मलाई है। चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ विमल सिंह जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप स्टूडियो से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है विमल जी आपका। अबू शर्मा हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हैं, मयंक सिन्हा राजनीतिक सलाहकार हैं जेडीयू के, बहुत स्वागत है आपका भी। मनीष गुप्ता जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत। आजम खां सपा से जुड़े हैं हमारे साथ में, प्रवक्ता हैं सपा के, बहुत स्वागत है आजम जी आपका भी। शुरुआत मैं जेडीयू के साथ में करूंगी, बीजेपी के साथ शुरुआत करी जाए आज थोड़ी सी नाइंसाफी होगी। जेडीयू के साथ शुरुआत, क्योंकि आज का सबसे भयंकर पोस्टर यही नतीजों के बाद से कि नीतीश सबके हैं, और ये पोस्टर यथावत तब तक रहेगा जब तक सरकार का अलायंस हो नहीं जाता। जेडीयू क्या क्या डिमांड कर रही है मयंक जी? देखिए कोई डिमांड नहीं, कोई कंडीशन नहीं, अनकंडीशनल सपोर्ट है। नहीं यहाँ पर आप ये भी कह सकते थे मैडम, आपको थोड़ी ना बताएंगे। नहीं, बताने नहीं, बताने का मीडिया को तो हर चीज की सूचना मिल जाती है। और ये बात जो बोला आपने नीतीश सबके, तो ये सच है बिहार की हर तबके के लिए। और ये चीज जैसे ही आपने बोला सत्य है, वैसे ही विमल जी के मत्थे पर पसीना आ गया। ठीक है, नीतीश सबके हैं, ये सच है, नीतीश हर व्यक्ति के लिए है। बिहार के सबसे माननीय मुख्यमंत्री, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री। और देखिए ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री की जो जोड़ी है, ये कमाल कितना की है कि आपको जब भी जो विरोधी दल है उनको पच नहीं रहा। अरे इधर उधर की बात मत करिए, सीधे बताइए मंत्रालय कौन सा मांग रहा है। नहीं कोई मंत्रालय की बात ही नहीं, तो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, प्रेरोगेटिव मिलता है। तो ये इन चीजों पर जेडी का कोई ऐसा है नहीं, उन्होंने तो अनकंडीशनल सपोर्ट किया। अब चर्चा मीडिया में चल रहा है, इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं, और ये हम लोगों ने तो कोई सपोर्ट देने के लिए लेने के लिए कोई कंडीशन रखा नहीं है। पता ना कहाँ से कौन सूत्र बता रहे हैं, हमको तो कभी नाम नहीं मालूम है। तो इसलिए बिल्कुल एकदम हम लोग आपको आश्वस्त करते हैं, मीडिया को आश्वस्त करते हैं, देश की जनता को आश्वस्त करते हैं कि कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट देश की हित के लिए, बिहार के हित के लिए। विमल जी, काम जेडीयू ने खुले बाहों के साथ में मोहब्बत का ऐलान कर दिया है कि मोहब्बत जार जार नहीं होगी, बेपनाह होगी इस बार। देखिए पूजा जी, आपके चैनल पे अभी हमारे मित्र जेडीयू के हमारे साथी भी जुड़े हुए हैं, और आपने अभी देखा चिराग पासवान जी ने जो अभी व्यक्तित्व रखा अपना, उन्होंने कहा कि हम जो है निस्वार्थ भाव से प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़े हैं और हम निस्वार्थ भाव से उनका जो है हम सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आफी के चैनल के माध्यम से और न्यूज़ चैनल और भी अन्य न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमें पता चलता है कि इस तरीके की अफवाहें जो है बाहर आ रही हैं। कल एनडीए का बैठक था, बाहर आ रही हैं, मतलब बाहर आना गलत है। नहीं बाहर है ही नहीं ना, ऐसा चीजें है ही नहीं, ये मीडिया की तरफ से बनाया जा रहा है। सूत्र कौन है, सूत्र मीडिया तो बताती नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कल एनडीए का बैठक भी था, हमारे सारे सहयोगी दल हमारे साथ थे और उनका कोई डिमांड नहीं था, वो निस्वार्थ रूप से जो है प्रधानमंत्री जी के साथ जो है जुड़कर अपना काम करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपने सहयोगी दलों का सम्मान करते आई है, उनकी हर बातों पर जो है अपना जो है सहमति जो है जताती हुई आई है। मैं कहना चाहता हूँ कि हम जो है अपने एनडीए के साथ पूरे के पूरे तरीके से हम जो है हम उनके साथ खड़े हैं। और आप देखिएगा आप ही के माध्यम से और आप ही के चैनल से पता चलेगा हमें जब शपथ ग्रहण होगा कि किसको कौन सा मंत्रालय जो है दिया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इस पर हम जो है चर्चा जो है जब शपथ ग्रहण हो जाएगा उसके बाद करेंगे, लेकिन हमारे बीच में कोई किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। हम सभी अपने सहयोगी दल जो है प्यार से और प्रेम भाव से बैठ कर जो है हम अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और 9 तारीख को हमारे जो है देश के जो है
सेवक हमारे प्रधानमंत्री जी जो है तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनते हुए दिखाई देंगे। अबू शर्मा जी क्या कहेंगे, आपने तो जेडीयू नीतीश कुमार जी को उप प्रधानमंत्री बनने तक का ऑफर दे दिया, लेकिन वो शायद ऑफर रास नहीं आया उन्हें। नमस्कार सभी साथियों को, नमस्कार। इस बार का जो नतीजा आया जनादेश, हर एक जनादेश का एक अपना फिलोसफी होता है। तो हमारे साथी बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता जी, हर एक जनादेश का एक अपना फिलोसफी होता है। तो इस बार का जनादेश यही तो पूछा सत्ता से, जो तुम्हारे यहाँ बहस क्यों नहीं होता है, तुम्हारे यहाँ एक ही आदमी के माध्यम से हर निर्णय क्यों होता है, यही तो सवाल था जनादेश का। और अगर अभी भी मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता से कहूंगा, अभी भी आप सुधर जाइए, ये जनादेश के बाद भी अगर एक ही आदमी का चले, एक ही आदमी का सब कुछ निर्णय हो, तो आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी के लिए और बुरा दिन इंतजार कर रहे। ये रही बात, ये भारत जो है ना, ये सबका भारत है। हम कहा क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम कहाँ जाएंगे, इसके ऊपर जब भारतीय जनता पार्टी नियंत्रण किया या करने की कोशिश की, उस वक्त जहां से प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं, प्रधानमंत्री निर्माणकारी राज्यों में सबसे पहले जनता आगे आके भारतीय जनता पार्टी और उनका नेतृत्वाधीन सत्ता को सबक सिखाया, जो ये देश यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी में जीना चाहता है, ये आज से नहीं, 6000 साल पुराना हमारा जो इतिहास है, वो उस जमाना से हम लोग जो यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी के भीतर रह रहे हम उसी में जिएंगे। तो हम चाहते हैं नया सरकार नहीं, मेरा 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 सवाल आप शायद समझ नहीं पाए अबू जी। नहीं नहीं, आपका ही जवाब दे रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ जो वहाँ मतभेद हो, ये तो जनादेश मतभेद के लिए ही है, कहीं नीतीश जी कुछ बोले, मतभेद हो तो आप लाभ लो, ये कह रहे हैं। नहीं, लाभ लाभ का फायदा का बात नहीं कर रहा हूँ। हम बोल रहे हैं वहाँ भी चर्चा हो, ये जनादेश का सम्मान करना है। ये जनादेश जो है वो हमेशा चर्चा के लिए, एक आदमी का निर्णय से देश नहीं चलेगा, ये देश का जनता ने बता दिया। इसीलिए अगर हमारा शुभकामनाएं है आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो 10 साल थे, वो फिर एक बार सब सरकार बनाए, कोशिश करें जो गलतियां हुई वो गलतियां ना करें। आप क्या कोशिश कर रहे हैं, आप किसको कौन कौन सा मंत्रालय ऑफर कर रहे हैं, किसको? आप लोग भी तो कुछ कोशिश कर ही रहे होंगे। आपने कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुना क्या मैडम? मैंने बिल्कुल सुना है सर। तो उसके ऊपर अबू शर्मा होता है क्या, क्या बात कर रहे हैं? उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आप और एक बार सुन लीजिए, पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व ने बता दिया, हमारा इंडिया गठबंधन का मीटिंग हुई, उसमें सब कुछ बता दिया, सब कुछ सामने है। लेकिन धीरे धीरे करके समर्थन तो एनडीए की तरफ जा रहा है। अब इंडिया गठबंधन का जो निर्णय होना था वो हुआ, और उसमें क्या निर्णय हुआ कल आप लोगों को बताया गया, पत्रकारों को बताया गया, तो उसके बाद क्या अटकले का जवाब दूं? जो बेबुनियाद सवाल है उसका क्या जवाब दूं? उसका तो आजम जी नहीं है। आजम जी मैं आपके पास आऊंगी, जवाब देना नहीं चाहते हैं यहाँ पर अबू शर्मा जी, आप ही कुछ जवाब दे दीजिए। थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है फिलहाल तो आप जी, शुभकामनाएं आपको। नहीं, थैंक यू फॉर दैट। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि कल हमारी इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई, उस बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि हम विपक्ष में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। भाजपा की तरह नेगेटिव राजनीति जो भाजपा कर रही थी, हमारी जो जीत है वो नकारात्मकता पर सकारात्मकता की जीत है। हम लोगों ने जो कहा था कि भाजपा की अब तानाशाही नहीं चलेगी, तो अब भाजपा की जनता ने बता दिया कि भाजपा की अब तानाशाही नहीं चलेगी। जैसा कि मैडम आपने अभी शुरुआती उसमें कहा, शुरुआती वक्तव्य में, कि ये मोदी सरकार, अब भाजपा भी मोदी सरकार नहीं कह रही है, भाजपा कहती है एनडीए सरकार। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, कोई भी उनका स्टेटमेंट आता है तो अब वो कहते हैं एनडीए सरकार। हम लोग यही चाहते थे कि भारतीय संविधान, भारतीय लोकतंत्र, आरक्षण सुरक्षित रहे,
जो कि भारत की जनता ने जनादेश दे दिया कि आइए आप दो तिहाई इनके पास है नहीं, ये भारतीय संविधान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, और जो मोदी जी की तानाशाही थी, अमित शाह जी की तानाशाही थी, उससे छुटकारा मिल गया। बाकी हम देखेंगे कि सकारात्मक राजनीति करेंगे। जैसा कि आज अभी राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा कि 30 लाख करोड़ रुपए जो आम भारतीय निवेशकों के डूबे, उसका जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर है, जो बार बार कहते थे कि आम निवेशक इन्वेस्ट करें, 4 जून को उसको बहुत फायदा होगा। जबकि कहीं ना कहीं उन्हें मालूम था कि 4 जून को उनकी सरकार बहुमत की नहीं बन रही है, उसके बावजूद उन्होंने निवेशकों को कहा कि आप इन्वेस्ट करिए। 30 लाख करोड़ रुपए भारत के आम निवेशकों के डूबे हैं, यानी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। ये अब जीपीसी की हम लोगों ने मांग करी है। इसी तरह से हम लोग सकारात्मक राजनीति करेंगे, हम चाहेंगे कि ये पॉजिटिव वे में काम करें। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मनीष गुप्ता जी। मनीष जी, बैक सीट से उठकर आइए, फ्रंट सीट पर आइए, आपके बयान की बारी है। क्या लगता है मंत्रालय की मलाई किसके हिस्से में जाएगी? बीजेपी इतनी जल्दी तो बैक फुट पर जाने वाली है नहीं, और अहम मंत्रालय के साथ में डील कैसे होगी सर? देखिए पूजा जी, ये बात समझ लीजिए, बैक फुट पर कोई नहीं जा रहा है। जहां मिलके सरकार बनानी है, मिलके सरकार बन जाएगी। उसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए नीतीश कुमार जी ने अपना समर्थन एनडीए को दे दिया, और वो भी हाथ से आरजेडी से आई है, तो वो ये नेगोशिएट करने नहीं आए हैं, वो सुशासन, तो वो एक दो साल लग गए थे आरजेडी करप्शन से, तो उनसे त्रस्त होकर आए हैं। और भाजपा ने और जेडीयू ने मिलकर बता दिया कि बिहार में आरजेडी का कोई भविष्य नहीं है, भविष्य के नेता चिराग पासवान निकल रहे बनके। तो ऐसे में भाई ठीक है, लोगों की उम्मीद होती है, सांसदों की उम्मीद होती है कि हमें क्या मिले क्या ना मिले, तो उन्हें तो मिलेंगे ही। एक और बात समझ लीजिए, एक व्यक्ति को तो राज्यसभा के उपसभापति पहले ही बने हुए, उनको तो जब वो छोड़ के चले गए थे अलायंस, तब भी बने रहे, तो वहां कोई ऐसी नेगोशिएशन वाली बात नहीं है। इस तरह की बातें कांग्रेस के लोग, सिर्फ कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के लोग नहीं, सिर्फ कांग्रेस के लोग फैला रहे हैं, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन में है। उन्हें लग रहा था कि तो है या भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता सत्ता से बाहर। अबू जी कुछ कह रहे हैं, अबू जी। अब मैं बोल रहा हूँ मैडम, आप राजनीतिक विश्लेषक है या भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है? अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है तो आप भी भारतीय जनता पार्टी का दोपट्टा पहन के आ जाओ ना। अगर राजनीतिक छल क्यों कर रहे हैं जनता के साथ? ये छल का परिणाम तो मिला ना। कांग्रेस क्या कर रहा है, कांग्रेस क्या करेगा? आप तो राजनीतिक विश्लेषक है, आप तो राजनीतिक विश्लेषक है, आप तो निष्पक्ष कहिए, अभी तो निष्पक्ष कहिए, अभी क्या डर है? ठीक है, ठीक है, चर्चा को वापस से रिज्यूम करेंगे। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के लिए रुकेंगे और वापस आएंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बीजेपी के लिए थोड़ा सा सिरदर्द तो जरूर है, क्योंकि सहयोगी आंख दिखा रहे हैं, बात मानने को तैयार नहीं है। बाहर खबरें इस तरीके की कि सहयोगियों ने निष्पक्ष समर्थन दे दिया है, बिना कुछ मांगे अनकंडीशनल, लेकिन होगा कैसे? देरी लगातार हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ, या भाजपा का प्रवक्ता है वो बोले, उनका बात हम लोग सुन लेंगे। ठीक है विमल जी, विमल जी पढ़ने के पीछे से प्रवक्ता मत बनिए, ठीक है? जमाना गया। ठीक है, ऑडियो को थोड़ा सा डाउन कीजिए सभी की। विमल जी बोलिए। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि अभी ये बात कर रहे हैं, अरे दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ तो सारे प्यार से और सौहार्द के साथ मिलकर जो है हम सरकार चलाने भी जा रहे हैं, और 9 तारीख को हम शपथ भी लेने जा रहे हैं। किसके बीच में मिनिस्ट्री में जो है गठबंधन का जब चुनाव होता है तो मिनिस्ट्री जो के बीच में जो है लड़ाई होती है। आप देखिए, आपको एक डायलॉग याद होगा ममता बनर्जी जी का, जब ममता बनर्जी जी ने बोला था कि हमने रेल नहीं मांगा था, तो राहुल गांधी ने बोला कि रेल नहीं मांगा था तो हम नहीं देंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग आपस में जो है ना, ये आपस में, आपने देखा था 2019 में भी इनका गठबंधन हुआ था,
लेकिन उसके बाद देखा था 2019 के लोकसभा के चुनाव के बाद इनका गठबंधन टूट गया। अभी हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के बोल रहे थे कि हम जो हमारा प्यार से और सौहार्द तरीके से पूरा 5 साल जो है हमारी सरकार चलेगी, एनडीए की सरकार चलेगी। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, हमारे मित्र जो है सकारात्मक राजनीति की बात कर रहे थे, संविधान और आरक्षण सुरक्षित की बात कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिस समय जो है समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और आज ही अखिलेश यादव जी का मैंने देखा एक वीडियो, ANI पे भी है और दूसरे भी प्लेटफॉर्म पे है, मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप देख लीजिए, वहां पे एक पत्रकार को धक्का मारते हुए और बोल रहे हैं कि तुमको मैं बाद में देखूंगा, धमकी भरा जो है वीडियो, मतलब धमकी भरा वो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ देखिए चुनाव जीतने के बाद इनका अहंकार कैसे निकल रहा है। मैं आप देखिए जब इनकी सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, इनके जो है इनके कार्यकर्ता जो है महिलाओं के साथ जो है छेड़खानी करते थे, इनका जो है इनका जब सरकार था तब उत्तर प्रदेश जो आपराधिक प्रदेश के नाम से जाना जाता था, इनका जब सरकार जो था उत्तर प्रदेश के अंदर, आज देखिए अपराध के मामले में नंबर 1 प्रदेश के नाम से जाना जाता था। आज जब इनकी सरकार जो थी तो आप देखिए दंगे, 400 दंगे हुए थे 5 सालों के अंदर, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है एक भी दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये क्या सकारात्मक राजनीति की बात करेंगे और संविधान की बात करेंगे, संविधान की या विपक्ष वाले बात करेंगे? बाबा साहब ने कहीं नहीं लिखा है अपने संविधान के अंदर कि हम जो है जाति के नाम पे आप आरक्षण दे सकते हैं, धर्म के नाम पे आप आरक्षण नहीं दे सकते। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, देखिए केरल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर आरक्षण दिया जा रहा है मुसलमानों को। मैं कहना चाहता हूँ कि जब अगर आप संविधान को मानते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, तो संविधान में तो कहीं नहीं लिखा है कि आप भारतीय जनता पार्टी 240 सीट जीती है, हम एनडीए जो है 293 सीट पे, कैसे निरस्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी को? जनता जो है तीसरी बार एनडीए की तीसरी बार जो है जनता जो है ठीक है। विमल जी ये तो आप मान रहे ना कि एनडीए ने 293 सीटें जीती है, और 293 जो जीती हैं उसमें सहयोग अन्य घटक दलों का भी है, तो उनको कुछ कुछ तो प्रोफाइल देनी पड़ेगी। चलिए आप मान रहे हैं कि खुशी से बहुत परिवार चल रहा है, एकदम रिंगा रिंगा रोजी खेल रहे हैं, लेकिन कुछ तो देना पड़ेगा। कानून मंत्रालय दे दीजिएगा क्या, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय दे दीजिएगा क्या? ये हम डिबेट पे बैठ के मंत्रालय थोड़ी ना बांट सकते हैं। हमारे एनडीए के सहयोगी दल जब हमारे साथ बैठेंगे तब आपस में हम चर्चा करके हम उनकी चीजों पे सहमत कर रहे हैं ना। चर्चा मतलब आप कह रहे चर्चा तो होगी ना? कोई चर्चा नहीं हो रही, अभी तो आप ये आप कर रहे थे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि चर्चा होगी, चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा होगी। आप शब्दों पे ध्यान दीजिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि मैं देखिए हमने आपसे प्यार से अभी एक हमारे सहयोगी दल के बयान को चलाया, उन्होंने क्या कहा है, हमेशा से चिराग पासवान जी कहते हैं कि हम जो है प्रधानमंत्री जी के हनुमान हैं। प्रधानमंत्री जी जब से हमारे पिताजी गए दिवंगत हुए, हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे पिता के बराबर हैं, वो जो कहते हैं हम उनकी बातों को मानते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए मंत्रालय भी तो मांग रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हम शुरू से दिया हुए हैं कि दो मंत्रालय देगा। सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ पूजा जी कि शुरू से हम अपने घटक दल का, हम अपने सहयोगी दल का सम्मान करते आए हैं, और ये हम आपस में बैठकर चीजों को जो है हम जो है निष्कर्ष निकालेंगे। ये हम चैनल पे बैठ के थोड़ी ना बोल सकते हैं, और हमारा जो है नेतृत्व इसका फैसला लेगा ना। हमारे जैसे मैं यहाँ पे ना बोल दूं कि ये मतलब कि हम इसके बारे में टिप्पणी ओछी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, ये हमारा नेतृत्व जो है इसके बारे में जो है बैठक करके हमारे JDU के साथ ही, हमारे जो है चिराग जी, हमारे जो है TDP के, हमारे जो है सारे साथी बैठ के। ठीक है, मयंक जी से एक बार पूछ लेते हैं। मयंक जी, मैंने सुना है कि लालू प्रसाद यादव का रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहते हैं नीतीश जी, रेलवे मांग रहे हैं, सच्चाई है क्या? कुछ या कुछ भी दे देंगे तो चलेगा, कुछ भी दे देंगे चलेगा? कोई नीतीश जी ने बड़ी ईमानदारी से सरकार चलाई है, चाहे वो केंद्र में मंत्री रहे हो चाहे राज्य में। लालू जी से कोई कंपटीशन है? भ्रष्टाचार के जन्मे आदमी है नीतीश कुमार जी, और मोदी जी ने कोई भ्रष्टाचार किया है तो वो कोई मुकाबला ही नहीं है। और दूसरी बात, हम एक आपको बात कर रहे हैं, देख कर मिले प्यार हमको, वही हम सफर है वही काफिला। तो प्रधानमंत्री जी का जो प्यार मिलते आया है, और लंबे समय से BJP के साथ हम लोग सरकार चलाते आ रहे हैं बड़ी ताकत के साथ हम बिहार को नई ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर लेते जा रहे हैं। बिहार को नई ऊंचाई पे लेके जाने का तो ये बहुत अच्छा मौका है। एगो वो मांग लीजिए
विमानन मांग लीजिए, रेलवे मांग लीजिए, बना दीजिए बिहार को एकदम चकाचक चमाचम। आप क्या चाहते हैं कि बिहार चकाचक? विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल स्टेटस के लिए, स्पेशल स्टेटस के लिए रोना लगातार रो रहे हैं, वो भी मांगने का मौका है, मांग लीजिए। क्या मांगना है? अरे भारतीय जनता पार्टी से हम लोग का लंबा रिश्ता है, अनकंडीशनल सपोर्ट है। बिहार में बीजेपी ने कुछ मांगा हम मांगने देने का वहां न काम होता है जहां पर प्यार नहीं। तो मैंने तो दो दो डिप्टी सीएम मांगे नहीं क्या? अजय दे दिया दो दो डिप्टी सीएम। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनकंडीशनल सपोर्ट में पोर्ट छुपा हुआ है, पोर्ट ही मांग ले आप? नहीं नहीं, वो सब प्रधानमंत्री जी का विशेष अधिकार है, प्रधानमंत्री की प्रेरोगेटिव है, वो क्या मनीष जी मयंक जी जवाब तो दे रहे हैं लेकिन मुस्किया के दे रहे हैं। मुस्कान तो हमें है ना भाई, देखिए मैं बताऊं, इस समय सरकार बनाने जा रहे हैं, हीरो केंद्रीय सरकार बनती है तो भाजपा की परेशानी उठा रहा है। सुन लीजिए मयंक जी, सुन लीजिए, मनीष जी भी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए एक बार भाई। भाजपा की परेशानी इस समय ये है कि उनके पास बहुत सारे कार्ड हैं, कुछ हाथ में है, कुछ आस्तीन में है, वो एक एक करके चलेंगे। और भाजपा इतनी जल्दी आसानी से दबाव में आने वाली नहीं है। अभी खबर ये आ रही है उद्धव ठाकरे में रिटर्न टू एनडीए, अगर उद्धव ठाकरे आ जाएंगे तो गेम और पलट जाएगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे पुराने हिंदुवादी हैं। इनमें गठबंधन का एगा नहीं है कि हमने मुसलमानों ने वोट उद्धव ठाकरे को इसलिए थोड़ी दिए थे कि हम बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। खैर, तो अभी मिनिस्ट्री पर कोई बहुत बड़ी नेगोशिएशन ना एनडीए नीतीश कुमार चाहते हैं ना वो चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये तो मुख्यमंत्री है ही, वो भी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो अपनी रेपुटेशन के लिए अपने सहयोगियों को बहुत बड़े बड़े मंत्री पद दिलाने के काम अभी बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और चंद्रबाबू मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कोई बड़ी जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं दोनों दल, कोई नेगोशिएशन नहीं कर रहे हैं। देखिए चिराग पासवान ने भी क्या कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो मोदी जी देंगे हम ले लेंगे। और आप समझ लीजिए अभी और बड़े बड़े सरप्राइज का इंतजार करिए, अभी गेम में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। चार निर्दलीय तो आ ही गए, चार निर्दलीय आ गए। अच्छा वोटिंग होगी, आप सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी विपक्ष में के साथ वोट करेगी, मुझे इसमें डाउट है। क्योंकि इसमें क्योंकि समाजवादी आजम जी है तो बहुत बड़ा बयान दे दिया, बहुत बड़ा बयान दे दिया, कुछ बोलिए सर। मनीष जी को कह रहे वाह वाह, बहुत 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 वाह, आप ऐसे ऐसे चीजें खोज के लाएंगे समाजवादी पार्टी अच्छा, और कांग्रेस की समाजवादी पार्टी कांग्रेस इंडिया अलायंस की न्यू है। उद्धव ठाकरे वाला तो काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है सर, सुनिए आजम खान साहब उद्धव ठाकरे वाला तो काफी ट्रेंडिंग है सर, वो मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, उसको भी डिनाई कर रहे हैं। मैडम फिर नीतीश कुमार जी के पलटने का उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, और तेलुगु देशम जिस पार्टी के साथ चुनाव लड़ती है उसके साथ सत्ता कभी सरकार नहीं बनाती, ये ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो आप इस पे क्यों नहीं प्रोबेबिलिटी पे जाती हैं? दोनों पार्टियां चाहे नीतीश कुमार जी हो चाहे टीडीपी हो हमेशा पाला बदलती रहती है, संभावना की प्रबलता उधर ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है, और जब से उद्धव ठाकरे जी इंडिया अलायंस में आए हैं तब से कोई ऐसा पॉइंट्स और कभी कभी नहीं रहा जब ये उनपे शक किया जा सके। लेकिन ये भाजपा समर्थक लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। मनीष जी, मीडिया के मंत्रालय खबर को गलत कर दिया इन्होंने और आपकी उद्धव की खबर को भी गलत कर दिया, अब बताइए क्या कीजिएगा? देखिए अभी आपको एक और बात बताता हूँ। हाँ। अभी नीतीश कुमार जी ने कहा है कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने कहा है हमें सीएए एनआरसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अभी क्या है, नीतीश कुमार जी 73 साल के हो गए, अभी पहले वो मुख्यमंत्री हैं, फिर वो केंद्र मंत्री बनेंगे, फिर वो उनको क्या बड़ा पोर्टफोलियो मिलेगा, ये समय की बात है, उनके बदलने का कोई टाइम नहीं है। और वो ये देख चुके हैं कि आरजेडी को हरा दिया, आरजेडी की आई है 6 सीट, अब वो वापस आरजेडी से टाई अप क्यों करेंगे भाई, वो कमजोर पड़ गए बहुत, और आरजेडी की 6 में भी 2 फैमिली की सीट है। तो मुझे लगता है बिहार में नीतीश कुमार अब अकेले ही काफी है आरजेडी से निपटने के लिए। इस बार ऐसा राजनीतिक विश्लेषक ही मोदी जी को डुबाया,
और दबाने की कोशिश कर रहे सुनिए और बाकी भारत में डुबाने की कोशिश कर रहे। अरे सुन लो इस बार की तारीफ समाजवादी पार्टी है जिसकी वजह से कांग्रेस को चाल मिल गई, वरना कांग्रेस तो बुरी हालत में थी। समाजवादी पार्टी ने इनको हेल्प कर दी तो इस बार ये बोलने लायक बची है। बस सुनिए, ये गठबंधन है। अरे आप कौन सा विशेषज्ञ है राजनीति का? जब वक्त आएगा बात करो ना। भाजपा समर्थक विशेषज्ञ है, भाजपा समर्थक क्या विशेषज्ञ है? प्रधानमंत्री 150,000 से जीता, बात करो। आप सिर्फ बीजेपी का बात कर रहे हैं तो बीजेपी का दो पर्चा पहन जाओ, अब बीजेपी का दो पर्चा पहन जाओ। 2019 की तैयारी करो। आपका मोहल्ला में आपको पूछेगा लोग, मोहल्ला में लोग आपको पूछेगा। आप पहले बोलिए हम बीजेपी का प्रवक्ता है। अब आपकी अपना पहचान मत छुपाइए, ये बहुत गलत है। ठीक है वापस आते हैं विमल जी के पास आऊंगी। दोनों विंडो के ऑडियो को थोड़ा सा डाउन कीजिए। विमल जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए जब मिनिस्ट्री का डिवाइडेशन हो रहा होता है, ये सभी जानते हैं कि उस दौरान जातीय समीकरण पर भी फोकस करना होता है, अपने दलों पर भी फोकस करना होता है, राज्यों का कंट्रीब्यूशन उसमें नजर आए इस पर भी फोकस करना होता है। तो बीजेपी के लिए इस बार टास्क बहुत ज़्यादा है सर, और इस टास्क में कहीं अपने मंत्रालय तो नहीं कट छट जाएंगे और आपके हाथ कतरा ना जाए। मैं कहना चाहता हूँ पूजा जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम अपने सहयोगी दलों का हमेशा से सम्मान करते आए हैं, हम उनकी बातों को हमेशा सम्मान करेंगे। देखिए ये आपने जो बोला कि आपके पास क्या बचेगा, देखिए हमारे मोदी जी जो है हमेशा उनका जो कर्म योगी है वो कार्य करने के लिए आए हैं, वो ऐसा नहीं कि ये क्या मतलब हमारे यहाँ जो योग को सिद्ध करने के लिए कुछ अहम मंत्रालय भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, वो कानून मंत्रालय भी है, हम ये कहना चाहते भी है, वो वित्त मंत्रालय भी है, वो गृह मंत्रालय भी है। आप बोलने देंगे एक बार, जब आपने समय दिया तो बोलने दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ तो आज जो है भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार चलाएगी। ऐसा थोड़ी ना कि हमारे सहयोगी दल काम नहीं करेंगे, हमारे जो भी सहयोगी दल के मंत्री बनेंगे वो काम नहीं करेंगे, सब मिलकर काम करेंगे और सब मिलकर जो है देश में जो है उन्नति और विकास का कार्य करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए मंत्रालय बड़ा नहीं होता। अभी चिराग पासवान जी ने क्या बोला कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमें जो देंगे हम उसको जो है बिना स्वार्थ के हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग के बीच में ये चीजें है ही नहीं। हम जो है साथ में जो है पहले भी हम जो है चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही है तो हमने जो है अपने हमारी जो एनडीए की सरकार रही है तो हमने जो है साथ में मिलकर बहुत अच्छे तरीके से सरकार चलाया। अगर मंत्रालय विषय नहीं है तो जेडीयू क्या कल आपसे उठ करके आए और बोले कि मुझे गृह मंत्रालय दे दो तो क्या बीजेपी दे देगी क्या? गृह मंत्रालय तो सर अपने पास ही आप रखोगे ना, दिल्ली पर भी तो देखिए। मैं पूजा जी मैं यहाँ पे बैठ के और आप बैठ के हम लोग मंत्रालय नहीं बांट सकते हैं। वो मंत्रालय बांटने का काम नेतृत्वकर्ता का है, जो हो रहा है जो होगा ठीक है। और दूसरी चीज शपथ ग्रहण होता है उसके बाद मंत्रालय का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। पहले हम शपथ ग्रहण का इंतजार करें, 9 तारीख का शपथ ग्रहण है, उसके बाद जो है 10, 11, 12 जब भी एक होगा उस समय मंत्रालय। सबसे पहले तो शपथ ग्रहण में होता है कि भाई मैं विमल सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। नहीं मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही शपथ लिया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले शपथ लिया जाता है उसके बाद जो है बाद में जो है मंत्रालय का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमारी सहमति के साथ जो है हमारे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारे जो घटक दल हैं, हमारे जो सहयोगी दल हैं, हम हमेशा से उनको साथ लेकर चले हैं, हम हमेशा से उनको प्रायोरिटी देते हुए आए हैं। तो हम लोग के बीच की बातें हैं, हम आपस में बैठ के कर लेंगे, इसके बारे में विपक्ष को और मीडिया को सोचने की जरूरत नहीं है। मयंक जी यहाँ पर विमल जी ने इन शॉर्ट कह दिया है कि मंत्रालय आप कोई भी मांग लेना, आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल राम सलाखा पे हाथ रख दोगे, जहाँ रखोगे हाथ वही मिलेगा आपको। मांगना क्या है, प्रधानमंत्री का अधिकार होता है और हमारे नेता ने तो पहले बता दिया कि कोई कंडीशन नहीं है। नहीं अब तो कह दिया ना उन्होंने, राम सलाखा पे कहीं भी हाथ रखिए, जहां रख देंगे वही आपका है। पूरा एनडीए सरकार है, वो सरकार जो है कि हम लोग सबका ना है। अच्छा ये बता दीजिए दिलचस्पी किसमें, आप भी जेडीयू के कार्यकर्ता ही हुए, प्रवक्ता कार्यकर्ता एक ही बात है सर, तो आपकी दिलचस्पी व्यक्तिगत तौर पर आप बताइए किस में दिलचस्पी है आपकी? नहीं देखिए आपकी कोई दिलचस्पी तो होगी व्यक्तिगत तौर पर, देश का विकास प्राथमिकता है,
बिहार का विकास नहीं तो किस माध्यम से विकास में आप योगदान देना चाहते हैं? रेल के माध्यम से, वित्त के माध्यम से, गृह मंत्रालय के माध्यम से, कानून मंत्रालय के माध्यम से? आपको क्या लगता है कि जेडीयू के आपके जो तमाम जो सांसद आए हैं जीत करके, वो किस मंत्रालय में सिद्धहस्त साबित हो सकते हैं? सर देखिए, इससे पहले हमने सरकार बनाया गठबंधन 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, और तमाम मंत्रालय जेडीयू के पास थे। ठीक है, मंत्रालय बात ही नहीं है, सरकार में भी मंत्रालय थे, अटल जी की सरकार ने मंत्रालय दिए, तो मंत्रालय बहुत समझदार है हम लोग सर। अरे मुस्कुराइए नहीं सर, बहुत समझदार है, बताया जताया एक ही बात है। सुनिए, मनीष जी को सुन लीजिए एक बार, मनीष जी को सुन लीजिए जी। मनीष जी बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, मात्र दो सहयोगी ऐसे हैं जो बड़े हैं, और उन दोनों को सफिशियंट मिनिस्ट्रीज दी जानी चाहिए, और वो डिजर्व भी करते हैं, और प्रोविजन इस बात का भी रखा जाना चाहिए कि इनकम्बेंट और कौन कौन और कौन कौन आएंगे। और मैं आपको बता दूं, जो मेरा आकलन है उसके हिसाब से अगले 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर सब मिलाकर 330-340 तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो अभी बहुत जल्दी होगी ये अंदाजा लगा पाना कि अभी कौन कौन कहां कहां चाहिए। आपको इतना जानकारी है, यहां क्या कर रहे हैं पीएमओ, वे जाके सलाह दीजिए ना। अरे मेरे ख्याल इनको जो जो व्यक्ति बकवास कर रहा है उनको बोलो चुप रहे थोड़ी देर, टेप भेजो के जाके जानकारी दीजिए। अरे टेप भेजो क्या, टेप भेजो क्या? देखिए ऐसा आपको है, जो भेजना है भेज दीजिए। जनता, आप भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है, मैंने कुछ बोला, मैं सुन रहा हूँ। आप पहले बोलिए हम भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है, उसके बाद आपका बोलने का अधिकार होगा। नहीं, वो विश्लेषण पीछे से अबू जी, इतना अधीर होने की कोई बात नहीं, वो विश्लेषण एक बता रहे हैं कि मौजूदा समय में संभावनाएं क्या हो सकती हैं। हमारा समय क्या है, समय का बात नहीं है क्या? वो राजनीतिक विश्लेषण बन के भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेगा, वो जमाना गया। ठीक है अबू जी, खाता खुला, क्या बात कर रहे हैं, खाता खुला आपका? विमल जी देखिए, मैं जवाब दे देना चाहता हूँ अबू जी, मैं आपका जवाब दे देना। मनीष जी, मनीष जी मैं समझा देता हूँ, हमारे जो मित्र हैं उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है, मैं कांग्रेस के मित्र को समझा देना चाहता हूँ। देखिए जिस तरीके से सुनने के लिए बैठा है क्या? अरे भाई साहब सुनिएंगे, बात तो सुनिए। देखिए सुनिए अबू जी, होता क्या है ना कि आप दिल्ली में जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में चुनाव लड़ रही है, अगर हम पंजाब में जाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे के विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ अगर आप देखिए, ये जो है आप ये गठबंधन एक जगह है, दूसरे जगह जाते हैं तो ये एक दूसरे के विपक्ष में चुनाव लड़ते हैं, तो ये जो है गठबंधन ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। एक महीना दो महीना के अंदर ये पूरा का पूरा गठबंधन जो है चेंज हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। और बहुत सारे इनके जो है, बहुत सारे इनके ऐसे सहयोगी दल हैं जो वहां पे अगर कहा जाए कि उनको सांस लेने में घबराहट हो रही है, वो जल्द एनडीए में शामिल होंगे, जल्द एनडीए में शामिल होंगे, इसलिए क्योंकि इन सभी की विचारधारा बहुत अलग है, इन सभी की विचारधारा अलग है। और एक कांग्रेस इस तरीके से जो है सारे अपने सहयोगी दल पे थोप के जो है चलना चाहती है, जो इनके विपक्ष के दल जो है इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं कहना चाहता हूँ आज अगर विमल जी, देश का जनता देखा और नतीजा, जनता ने तो देख लिया, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं, देश की जनता ने जो है प्रधानमंत्री को सिरमौर बनाने जा रही है तीसरी बार, देश की जनता ने देखा, देश की जनता ने अपनी सारी बिंडावना थी उसको खारिज किया। आपको उत्तर प्रदेश का जवाब मिला ना, थोड़ा शांत होइए, उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें जो है ठीक है आंकड़ा दिया, ठीक है भविष्य की संभावना पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मनीष जी, आप आशंका जता रहे हैं कि एनडीए आगामी दिनों के अंदर 340 के आंकड़े के आसपास पहुंच सकती है। अबू जी, सवाल मेरा आपसे है सर, आपने बोला कि अभी खेल होने का इंतजार करिए, अभी बहुत सी असमानताएं एनडीए के अंदर देखने को मिलेंगी, असमानताएं अगर देखने को मिली
तो सरकार बनाने की कोशिश करेंगे क्या? हाथ पर मारेंगे नहीं मारेंगे? देखिए, हमारा पार्टी का जो विचार है वो कल बताया चुका है। हमारा आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और इंडिया गठबंधन के सभी नेता मिलकर विचार विमर्श करके बता दिया। अभी रही बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में सत्ता में आए थे ना, तब भी उनके पास 3-4 पीएम मेटीरियल था, पीएम बनने के लायक पीएम मेटीरियल 3-4 था, लेकिन न जाने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सुनते रहिए, आप ही की तरफ इशारा है अबू जी का। हाँ बोलिए सर। न जाने आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे अच्छे पीएम मेटीरियल को दरकिनार करके रखा और उन्होंने 10 साल कुछ नहीं किया। उन्होंने अगर 10 साल कुछ करते तो अच्छा होता, तो जनता ने नाराज हुआ, जनता ने मतदान किया। अभी क्या है, वो तो उनका पार्टी का अंदरूनी मामला था, उनका पार्टी में उन्होंने अपना राज चलाया। विमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विंडो में लाइएगा विमल जी को और अबू जी को। अभी भी दो तीन पीएम का मेटीरियल यहाँ आ गया, चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हो, नीतीश कुमार जी हो। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए साथ में मिलकर अपना जो है सरकार चलाने की कवायद कर रही है और 9 तारीख को हम शपथ लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आपके राहुल बाबा जो है जनता के बीच में पहुँच नहीं पाए। देखिए, मैं कहना चाहता, आपने बोला कि जो है हमने कार्य किया, अरे आपने कार्य किया जब आपने जो है न्याय यात्रा निकाला, जब ना आपने भारत जोड़ो यात्रा निकाला, तब आपके हाथ से राजस्थान चला गया, तब आपके हाथ से जो है छत्तीसगढ़ चला गया, आपके हाथ से जो है मध्य प्रदेश चला गया, जहां मध्य प्रदेश को जीतने की आप बात कर रहे थे। ठीक है विमल जी, एक बार अबू जी को भी सुन लीजिए। 3 मिनट लास्ट के रह जाते हैं, उसके बाद मैं सभी से क्लोजिंग रिमार्क लूंगी। और मुस्कुरा रहे मयंक जी, पीएम मटेरियल भी बोल दिया आप, तो और थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए। लड्डू वड्डू खाए कि नहीं? सरकार बनेगी तो हम मुस्कुराएंगे ना, जिसकी सरकार नहीं बन रही है वो तो मुंह छिपाते हुए फिर रहे। नीतीश जी तो मोदी जी से ज्यादा अनुभवी है, बनना तो चाहिए उनको भी पीएम, क्यों नहीं बनना चाहिए? और 10 साल का नाकामी के बाद भारतीय जनता पार्टी को चाहिए प्रधानमंत्री बदल करने के लिए, क्यों नहीं चाहिए? तो प्रसन्नता क्या कमी है नीतीश जी में? और अब सरकार बनने जा रहा है। अब सुन लीजिए अबू जी, इनको भी सुन लीजिए, मयंक जी को सुन लीजिए। एक मिनट में, आपने चिंगारी दी है तो आग कहाँ लगी है, एक बार उसका भी मजा लीजिए। मयंक जी बोलिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक शायद के साथ हम काम करते हैं, औरों की ख्यालात तलाशी अपने गिरेबा में झांका, तो भैया अपना आप देखिए का 99 से आ गए हैं, 285 का हम लोग पर कहा कि हम तो एनडीए के लंबे पार्टनर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं मन से, देश हित के लिए, राष्ट्र प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचार में लेना देना, का भ्रष्टाचार में कोई देना नहीं, ना परिवारवाद है प्रधानमंत्री जी, ना वंशवाद के पोषक प्रधानमंत्री जी, ना नीतीश जी तो भ्रष्टाचार के पोषक नहीं प्रधानमंत्री जी, ना नीतीश जी, इतना कॉम्बिनेशन जब है। आपका नेता जो केटली में चाय पिलाया था पटना में, अभी भी वो केटली पड़ा है, 4 महीना पहले का बात है। आपका नेता चाय पिलाए थे, आखिरी का एक मिनट बचा हुआ है, सभी को 20-20 सेकंड में दूंगे, क्या कहेंगे आजम खान जी, कितना चलेगा गठबंधन और कैसे बटेगा मंत्रालय? ये एनडीए का विषय है, और जहाँ तक हमारा इंडिया अलायंस पूरा इंटैक्ट है, क्योंकि मुझे लगता है मनीष जी के अभी अनकॉन्शियस में वो 400 पार का नारा गूंज रहा है, इसलिए वो उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे जो है पूरा हो जाए। वो अभी भारत के जनता का जनादेश अभी स्वीकार नहीं कर पाए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बार डिबेट में मिलेंगे तो स्वीकार कर लेंगे। मनीष जी बोले। देखिए पूजा सर, 20 सेकंड के अंदर बोले सर, जो बहुमत का आंकड़ा है वो 272 का है बीजेपी के लिए। आपको बता दूं, जो अपोजिशन है वो इंडी गठबंधन अकेली अपोजिशन नहीं है, कम से कम 30-40-50 सांसद ऐसे हैं जो किसी भी तरफ नहीं है, जगनमोहन रेड्डी से लेकर बीजू जनता दल और इसके अलावा लेकिन एक हिडन फैक्ट जानते हैं सर, मनीष जी जानते होंगे सर, आप विश्लेषण करते हैं, आप जानते होंगे ये फैक्ट, 240 जो बीजेपी के विधायक हैं, माफ कीजिएगा सांसद जो जीत करके आए हैं, उन सांसदों में 106 सांसद कांग्रेस से पोर्ट किए हुए हैं, इसको भी थोड़ा सा समर्थन किसको है, शेख रशीद का समर्थन किसको है, प्रेम सिंह के बेटे का समर्थन किसको है? अगर आज अगर इंडिपेंडेंट वोटिंग हो जाए तो
तो 240 पे बहुमत हो जाएगा। ठीक है विमल जी, 10 सेकंड सर, 10 सेकंड। मैं कहना चाहता हूँ पूजा जी, देखिए हम लोग प्यार से जो है इस सरकार को चलाएंगे, जैसे हमने 1999 से लेकर 2004 तक हमारा जो है एनडीए का गठबंधन में सरकार बहुत प्यार से चला था और बहुत सौहार्द से चला था, वैसे ही जो है अभी जो है एनडीए की सरकार जो है आदरणीय जो है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो है बहुत अच्छे से चलेगा। बिल्कुल, चलिए अबू जी 10 सेकंड सर। बस ये विमल जी जिस तरह से बोल रहे हैं ऐसे ही बोलना चाहिए, ये राजनीतिक विश्लेषक मोदी जी को लेके डूब रहे हैं, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक जितना बढ़ेगा हम लोगों का कामयाबी उतना आसान हो जाएगा। मनीष जी व्यक्तिगत तौर पर आप कांटेक्ट कीजिए, बहुत दुखी हैं आपसे अभी जी। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा को खास और बेहद अहम बनाने के लिए। तो देखिए भले ही तमाम राजनीतिक दल इस बात से किनारा कर रहे हैं कि मंत्रालय को लेकर देखिए मैडम कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है, प्रोफाइल प्रॉफिट मेकिंग किसको नहीं चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी कहने से बच रहे हैं, मंत्रालयों का बंटवारा अभी हुआ नहीं। 7 तारीख को प्रधानमंत्री दावा पेश करने वाले हैं, 9 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, शपथ ग्रहण के साथ आगाज होगा सरकार का एनडीए 3.0 का, लेकिन क्या ये आगाज समान धरातल पर है या ये धरातल उबड़ खाबड़ तैयार होगा, यह देखने वाली बात होगी। वक्त छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़।